ओके गूगल, व्हाट इज माय नेम? योर नेम इज टेक्निकल बॉस। ओह क्या बात है, आप जानते हो तो इसी बात पर हंस के दिखाओ। ओके गूगल प्लीज लाफ। सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम मोबाइल की कुछ ऐसी सेटिंग और ऐसे फीचर्स की बात करेंगे जिनको यदि आप सीख जाते हो तो आप अपने मोबाइल को काफ़ी हद तक स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हो दोस्तों। और हाँ, शायद आपको इस सेटिंग के बारे में आज तक किसी ने भी ना बताया हो और शायद आपको इन सेटिंग के बारे में पता भी ना हो, इसलिए आपको एक एक सेटिंग ध्यान से देखनी है, एक एक सेटिंग के बारे में आपको ध्यान से समझना है। ये काफ़ी यूजफुल सेटिंग है और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो आज की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र तो हम सभी लोग यूज करते हैं, तो चलिए पहले मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र अपना खोल लेता हूँ। दोस्तों यदि मैं आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बता दूँ क्रोम ब्राउज़र की, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी टैब खोलते हो तो वो रिलोड होती है और कुछ टाइम लेती है ओपन होने के लिए। यदि मैं आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बता दूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे वो टैब एकदम से खुल जाए, यानी कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र की स्पीड को बढ़ा सकते हो इस सेटिंग से, ठीक है। आप इसको ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो आपको करना क्या है, ऊपर के साइड सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है, आने के बाद क्रोम CHROME क्रोम, ओके क्रोम लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर कोलन लगाना है, इसके बाद डबल स्लैश, इसके बाद आपको लिखना है फ्लैग। मैंने स्क्रीन पर बराबर की साइड भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखना है। इसके बाद फिर हम जो है स्लैश लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे हैज और इसके बाद लिखेंगे इनेबल इनेबल और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ब्रोटली BROTLI, ओके। तो यहाँ पर आपको ये टाइप कर देना है आकर अपने क्रोम ब्राउज़र में, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर बराबर की साइड भी लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर आके सर्च करेंगे, जैसे आप ये टाइप करके सर्च करते हो तो यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा और ऊपर के साइड सबसे पहले सेटिंग आप देख सकते हो ब्रोटली कंटेंट इनकोडिंग, ओके। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और इसके बाद इनेबल करने के बाद नीचे साइड लिखा हुआ जाएगा रिलॉन्च नाउ, ठीक है। यहाँ से आप इसको रिलॉन्च नाउ पर ओके कर देंगे और अब आपका क्रोम ब्राउज़र दोबारा से ओपन हो जाएगा, रिलॉन्च हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पर आप कोई दूसरी टैब ओपन करते हो, अब यदि आप इस टैब में कुछ भी खोलते हो वो सिर्फ आपको एक बार लोडिंग करना होगा, उसके बाद आपका क्रोम ब्राउज़र उसको ऐसे खोलेगा जैसे ये पहले से ही खुला हुआ था। तो ये काफ़ी यूजफुल सेटिंग है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरी सेटिंग इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों जो भी आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर या फिर गूगल के अंदर वेबसाइट खोलते हो उसका डाटा ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपने डाटा जो आपका ट्रैक होता है उसको रोक देना है, क्योंकि जब कोई भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हो या कोई वेबसाइट खोलते हो तो फिर वो डाटा आपका ट्रैक हो जाता है, फिर उसके हिसाब से आपको ऐड वैड दिखाए जाते हैं, है ना। फिर आप परेशान हो जाते हो और आप ये भी नहीं चाहते हो कि जो मैं सर्च करता हूँ इंटरनेट पर गूगल के अंदर या फिर क्रोम ब्राउज़र के अंदर वो मेरा डाटा ट्रैक ना हो, कोई थर्ड पार्टी उसको ट्रैक ना करे, यानी कि आप अपनी सेफ ब्राउजिंग करना चाहते हो, प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहते हो। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऊपर के साइड तो तीन लाइन बनी रहती है क्रोम ब्राउज़र पे, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी जिसका नाम होगा प्राइवेसी। प्राइवेसी सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो डू नोट ट्रैक की एक सेटिंग है नीचे से चौथे नंबर पर ऊपर की साइड, है ना, डू नोट ट्रैक। यहाँ से आप इसको टच करेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहती है, आपको ये ऑन कर देनी है। जैसे आपने इसको ऑन किया, अब आपकी जो भी आप अपनी वेबसाइट में डाटा सर्च करते हो, गूगल में जो भी डाटा सर्च करते हो, वो आपका डाटा कोई भी वेबसाइट ट्रैक नहीं करेगी, ना ही आपको उस हिसाब से फिर वो ऐड दिखाएगी। तो ये काफ़ी यूजफुल सेटिंग है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये करके भी रखना चाहिए जहाँ तक मेरी जो है राय है, ठीक है। तो दोस्तों अगले जो सेटिंग है वो है गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन के अंदर। गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन हम सभी लोग यूज करते हैं, जो लोग यूज नहीं करते वो भी यूज करने लग जाए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना होता है या फिर हिंदी को इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, है ना। तो इसकी एक जबरदस्त सेटिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर ट्रांसलेटर अपनी ओपन कर लिया, गूगल ट्रांसलेटर, ओके। तो दोस्तों जो भी आपके मोबाइल के अंदर मैसेज आते हैं
ये वो इंग्लिश में आते हैं, जैसे कि आपको किसी कंपनी वाले ने कोई मैसेज किया वो इंग्लिश में आएगा, आपको उसका मतलब हिंदी में देखना है, तो आपको बार बार अपना मैसेज खोलकर उसको कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन ओपन करनी है। इसके बाद जो ऊपर तीन लाइन रहती है बनी हुई, तीन लाइन पर जाएंगे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी आपको, एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा SMS ट्रांसलेशन, है ना, इस पर आप जो है ओके करेंगे आकर। अब जैसे ही आपने इस पर ओके किया, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके मोबाइल के जितने भी SMS है वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगे इसके अंदर। अब आप जिस भी SMS को हिंदी में देखना चाहते हो यहाँ से आप उसको जो है टच कर देंगे और वो फिर SMS आप देख सकते हो नीचे की साइड हिंदी में कन्वर्ट होकर आ गया है ना। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल सेटिंग है दोस्तों। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है, कभी कभी ये होता है कि आपको जो है ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास इंटरनेट भी नहीं है, तो आप इस एप्लीकेशन में क्या काम करेंगे, इसमें एक ऑप्शन है ऑफलाइन ट्रांसलेशन का, ऑफलाइन ट्रांसलेशन पर जाकर यहाँ से वो लैंग्वेज डाउनलोड कर लेंगे जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है ऑफलाइन, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी किया हुआ है, तो अब आप बिना इंटरनेट के भी इस एप्लीकेशन में किसी भी वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट के, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो उस तरह से। तो दोस्तों ये कुछ तीन सेटिंग थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने आपको बता दी, जो कि यूजफुल है ना, बेकार नहीं है बिल्कुल भी। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।